संख्या में किसान हैं और निर्दोष किसान हैं जिनको परेशान किया गया है पूर्व की सरकार ने, वो केस वापसी के लिए आज की जो बैठक हुई थी कि वो केस वापसी की प्रक्रिया सरल हो, इजी हो, जिससे कि अधिकतम किसानों के केस वापस हो जाए और उन पे एक थानों का, कोर्ट कचहरी का एक जो प्रेशर और एक दबाव जो बना हुआ है, और बहुत सारे केस ऐसे हैं कि अज्ञात में हैं, मतलब ज्ञात कोई है ही नहीं, अज्ञात केस हैं, और बहुत सारे लोग जो निर्दोष लोग थे, निर्दोष किसान थे, उन केसों को वापस लेने के लिए जो बैठक हुई है, और बहुत जल्द हम लोग हज़ारों की संख्या में केस वापस लेना है, ले रहे हैं हम लोग, जो सब एक मुखिया के अंतर्गत जो कार्रवाई होगी और केस वापसी के लिए हम लोग इसको पूरी तरह से तैयार किया। मंसूर गोलीकांड में जो किसानों पे दर्ज मामले हुए थे उसको, हाँ देखिए, छः जून दो हज़ार सत्रह को जो घटना हुई है, जो गोलीकांड मंसूर का जो हुआ है, उससे उसके बाद फिर वो जून भर में जो आंदोलन किसानों के जो चलते रहे, जगह जगह जो धरना आंदोलन और घटनाक्रम जो चलते रहे, तो किसानों से संबंधित आंदोलन और इसके अलावा भी जो धरना और प्रदर्शन जो होते रहे, शिवराज सरकार की अगेंस्ट जो लोग अगर कोई बात उठाते रहे कि ये मांगों के लिए अपनी, तो उसमें किसानों के ऊपर और अन्य जो लोगों के ऊपर भी जो केस लगाए गए हैं, उन केस को वापसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है, और चूँकि गृह मंत्रालय को ही ये कार्रवाई करना है, तो आज की बैठक में मैंने और माननीय जो हमारे विधि मंत्री पीसी शर्मा जी ने और हमारे जो अधिकारी थे उनके साथ में जो बैठक हुई है कि कैसे अधिकतम केस वापस लिए जाए, उसकी प्रोसेस हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसको हम सिंप्लीफाइड कर रहे हैं।